22 जनवरी को होने वाले भगवान श्री राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर शहर के लोगों में काफी उत्साह है। भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आते ही लोगों का उत्साह दोगुना हो गया है। दिखाई दे रही ये तस्वीरें जींद जिले से सामने आई है, जहां पर भगवान शिव राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जिला भर से हजारों राम भक्तों ने भाग लिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम के उद्घोष और भजन कीर्तन के साथ शुरू हुई शोभा यात्रा में बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ये यात्रा पंजाबी बाजार होते हुए निकाली गयी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सिर्फ अयोध्या ही राम में नहीं हुई, बल्कि दुनिया के कई शहर इस पर्व पर अपने यहाँ कई कार्यक्रमों के जरिए इसका हिस्सा बनने को बेताब है। वह रेवाड़ी में भी रामलला के आगमन को लेकर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रेवाड़ी के बाजारों में जगमग लाइटों की लड़ियों के साथ भगवा रंग के झंडे हर किसी का मन मोह रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि ये पल अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिसका कई सालों से इंतजार था। 22 तारीख को एज पर डिसीजन ऑफ कोर्ट मूर्ति स्थापना होने जा रही है श्री राम दरबार के अयोध्या में, तो सेम ग्राउंड पे हम भैरव चौक के पास जो हनुमान मंदिर है वहां भी हम श्री राम दरबार की स्थापना कर रहे हैं, मूर्ति स्थापित की जा रही है और रथ यात्रा निकाली जाएगी। एंड देन आफ्टर वी विल प्रोसीड फॉर द सुंदरकांड का पार्ट एंड शाम को सबके लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। बहुत अरसे बाद इतनी खुशी हो रही है कि मतलब बिल्कुल प्रसाद की तैयारी आप देखें चल रही है। यहाँ पे एक बार प्रसाद की पैकिंग चल रही है, बिल्कुल प्रॉपर सारा सजावट बिल्कुल हमारे प्रधान जी ने, जो भैरव चौक के प्रधान जी हैं, उनके द्वारा की गई है। अयोध्या की मूर्ति स्थापना के दिवस में हम भी अपने बाजार को बहुत सजाया हुआ है और इसी हिसाब से हमारे राम मूर्ति की स्थापना होगी मंदिर में भैरव चौक बाजार में, और इसका बहुत बढ़ चढ़ के कार्यक्रम हो रहा है। तो 22 जनवरी को होने वाले शिव राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। सबको इंतजार है तो 22 जनवरी के दिन का, जब रामलला कई सालों के बाद अपने मंदिर में विराजेंगे। सूर्य समाचार के लिए चीन से परमजीत पवार और रेवाड़ी से नवीन शर्मा की रिपोर्ट।